Hey girls, hi, welcome back to my channel kainathscreation. और आज हम करने वाले हैं हॉल, तो मैं आपके साथ एक बहुत शॉर्ट हॉल शेयर करूँगी बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट डू अ हॉल डू अ हॉल डू अ हॉल. तो यस, आई एम हियर टू डू अ हॉल. एंड हॉल तो कुछ नहीं है, आई थिंक मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं, बट देन द बॉक्स इज टू बिग. ये इसमें है मेकअप, तो जो भी मेरे हाथ आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी. एंड यस, बस बहुत छोटा सा होगा. लेकिन हॉल स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर का बटन दबा देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपनी वीडियो पोस्ट करूं. एंड यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के साथ बिकॉज जल्दी जल्दी करना है वीडियो को ख़त्म. तो यस, सबसे फर्स्ट थिंग है आईलैशेस. तो मैंने मंगाए हैं आईलैशेस बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने ये आईलैशेस मंगाए हैं जिसमें 10 पीसेज हैं. आप देख सकते हैं मैं रेगुलरली ये यूज़ करती हूँ एंड कभी कभी मुझे पार्टी मेकअप्स के लिए भी लगते हैं. सो यस, मैंने मंगाए हैं ये. सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल साइट. सो मैं जितने भी चीज़ों के प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मेक श्योर आप वहाँ पर चेक कर लेना. और देन मैंने मंगाया है ये आईलैश कर्लर. यस, आईलैश कर्लर. तो मेरा जो है पता नहीं कहाँ है, तो इसके लिए मैंने मंगाया है आईलैश कर्लर. फिर एक मिरर है यहाँ पे, तो मिरर तो एक्चुअली मैं यहाँ पे नीचे है बट वो सिर्फ कवर था. तो यस, मिरर है. ये मिरर एक्चुअली मैग्नीफाइंग मिरर है, तो वन साइड इट इज़ नॉर्मल एंड द अदर साइड इज़ मैग्नीफाइंग. सो दैट इज़ रियली गुड इफ़ यू आर अ बिगनर और यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू मेकअप एंड ऑल. सो यस, देन मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है इसका रिव्यू, अगर आपने नहीं चेक किया है तो यह आई बटन पर होगा, प्लीज़ चेक कर लेना. और यस, मैंने अगेन ये मंगाए हैं बट दिस टाइम द शेड्स आर डिफरेंट. आई एम ओनली डिसअपॉइंटेड विद वन कलर इन दिस रेंज. एक्चुअली कलर इज नॉट, दिस कलर इज़ द थिंग, कलर इज़ नॉट मैटर बट द थिंग इज़ जो शेड मुझे चाहिए था वो शेड नहीं है और शेड के नाम पे मुझे मिला है दूसरा. सो आई डोंट नो बट यस, देन आई हैव दिस कवर एफएक्स. तो मैंने इसे ऑलरेडी एक वीडियो में यूज़ किया है, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर चेक कर लेना. तो इसमें मुझे है आए हैं 6 पीसेस जिसमें से एक ऑलरेडी मेरी कज़न ने ले ली है. सो दिस इज़ हाउ द 6 पीक्स कम्स एंड दिस इज़ एनहांसर ड्रॉप्स. तो आप इसे बिफोर फाउंडेशन या फिर आप अपने मॉइस्चराइज़र वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड then I have favorites in house. So yes, prefix kajal. So मेरा काजल जो है वो ख़त्म होने वाला है एंड गिव अवे के लिए भी मैंने काजल मंगाए हैं पर वो अब तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं. सो यस, वो रिसीव होंगे तो मैं वो आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी, मे बी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज बार बार हॉल्स करना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. सो यस, और उसके बाद मैंने वापस से डर्माकोल भी मंगाया है बट दिस टाइम द शेड इज़ डिफरेंट बिकॉज आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, हाउ इट्स वर्किंग एंड हाउ लॉन्ग लास्टिंग इट इज़. मैंने इसका भी रिव्यू कर लिया है, चैनल पे है, देख लेना. और गिव अवे चालू है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना. उसके बाद मैंने मंगाया है ये आईलैश ग्लू. सो लास्ट टाइम मैंने जो मंगाया था वो ब्लैक कलर में था, दिस इज़ क्लियर वन. सो मैंने ऑलरेडी क्लियर भी यूज़ किया है. सो यस, मतलब मुझे क्लियर चाहिए था, मतलब ओनली ब्लैक का हमेशा नहीं यूज़ कर सकती मैं बिकॉज जब आप कुछ भी नहीं मतलब आई मेकअप कर रहे हो यू ओनली नीड लैशेस, तब यानी जब आप आई लाइनर नहीं यूज़ कर रहे हो तब. सो यस, एंड देन मैंने मंगाए हैं ये S.F.R. जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो इसके कॉन्टोर पैलेट्स हैं ये. सो दिस इज़ इन द शेड लाइट एंड दिस इज़ डार्कर देन दिस. सो आई होप आपको फ़र्क दिख रहा होगा दोनों में.
सो मैंने ये मंगाए हैं जस्ट टू ट्राई. सो मैं अगर आपको इनमें से किसी का भी रिव्यू देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल डू दैट. और फिर मैंने मंगाए हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुझे लगते हैं. तो ब्यूटी ब्लेंडर्स आर इन हाउस. यस देन द लव इन द हाउस इज दिस पैलेट्स. सो ये S.F.R. के पैलेट्स हैं. अगर आपने नहीं देखे तो मैंने इसे गिव अवे में भी पोस्ट किए हैं, बट नाउ दिस इज़ इन माई हैंड्स तो आप लोग देख सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द न्यूड्स वन एंड मैं आपको स्वॉच तो नहीं करके दिखाऊंगी, बट आई कैन शो यू, मतलब मैं ओपन करके आपको दिखा सकती हूँ. सी द कलर, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस कलर बिकॉज दिस इज़ अट्रैक्टिंग माई आईज. तो यस, सो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको वेराइटीज़ में मिलते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ न्यूड एंड देन द सेकेंड वन इज़ द अल्ट्रा पैलेट और इसमें 12 आई शेडोज है एंड द एंड इट इज़ ऑन द अफोर्डेबल साइड्स. तो यू कैन सी दिस इज़ अल्ट्रा पैलेट. देन वी ऑल्सो हैव नियॉन्स. सो नियॉन्स में आपको सब में आपको 12 शेड्स ही मिलेंगे. नियॉन्स में ये कलर्स आपको अवेलेबल हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव स्मोकी. सो स्मोकी इज़ ऑल्सो रियली नाइस. तो मुझे तो चारों अच्छे पैलेट्स लगे हैं बट माई फेवरेट इज़ न्यूड. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ न्यूड्स. सो मुझे आप बता देना आपको कौन सा अच्छा लगा इतना देखने पर. देन आई हैव मैंने ये मंगाया है, दिस इज़ हुदा ब्यूटी स्टूडियो फिक्स. दिस इज़ नॉट ओरिजिनल बाय द वे, दिस इज़ कॉपी और आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ लॉन्च भी हुआ है. सो आई नीड टू चेक दैट ऑन वेबसाइट, बट ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा. सो मैंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की है. सो आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ ट्राई. तो दिस इज़ पाउडर प्लस फाउंडेशन एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि इसमें आपको ऐसे ये आपको ऐसे मतलब इस शेड्स में मिलेगा. शेड्स आपको बहुत सारे अवेलेबल होंगे. एंड देन यू ऑल्सो हैव अ स्पंज और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट जो है इसमें होल्स है जस्ट बिकॉज आपको अगर इसे एज अ फाउंडेशन यूज़ करना है तो यू नीड टू वेट योर स्पंज. और अगर आप वेट करते हो तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ऑब्वियसली एयर ड्राई हो जाएगा ये बिकॉज इट हैव होल्स. सो यस, really looking forward to use this and let's see how it works. अगर आपको किसी का भी review या first impression देखना है तो please comment करना मत भूलना. Then what we have, so the second last product, I guess second last product ही है. हाँ, second last product is this one. So this is Kylie's eyebrow gel and this is the best product. Like सारी चीज़ें best, I don't regret anything जो भी मैंने मंगाया है. बट सी दिस इज़ ऑन माई आईब्रोज एंड आई हैव अप्लाइड इट इन द आफ्टरनून एट 2 PM और सो एंड लेटली इट्स 1 o'clock इन द नाइट. सो 1 AM अनदर डे यू कैन से बिकॉज इट इज़ अर्ली मॉर्निंग. या सो अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स तो हो चुके हैं. सो एंड दिस डोंट इवन स्मज यू गाइस, सी डोंट इवन स्मज और ये वैसे का वैसा ही है. सो यस, आई एम रियली लाइकिंग द प्रोडक्ट. अगर आपको इसका कोई शॉर्ट रिव्यू देखना है तो मैं ज़रूर करूँगी इसका. एंड द लास्ट थिंग इज दिस वन. सो दिस इज किस ब्यूटी एलोवेरा मेकअप फिक्स. It claims that it has vitamin E and aloe vera extracts and it locks in makeup and the quantity is really good. This is 220 ml, so this is a really nice size and this will be very good for beginners. But मैं यहाँ पर comment नहीं करूँगी कि किस तरीके से work करता है because I need to use this और मैं जल्दी इसके review के साथ आऊँगी because this is really affordable. And yes, that's it. और I think इस हॉल में और 3 random चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ. So first one is this
So this is a jewelry piece. I hope you can see. So this is the jewelry piece, the first jewelry piece, and the second one is this one. This is in, oh shit, zaruri hai ye to girna. So this is like the tassel one, and the third thing is a top. So I was really looking forward for the t-shirt dresses, which are in trend now a lot of days, and I really love t-shirt dresses and I really love to style them as well. So maine Club Factory pe bahut sare dekhe hai, but I don't know how the material will be and etc etc, but yeah, I'll soon post that also, like a Club Factory haul and all. But ye maine if people living in Mumbai knows this market, and if not, then if you'll come to Mumbai, you should visit this market. So I went to Vaishali Nagar, and from there I have bought this. So this is this long, and it has this detailing, which I really like. So yes, and the detailing is on hand as well. So I really like this. So that's it, and yeah, I hope you really enjoyed this haul. And अगर आपने enjoy किया तो please make sure कि आप like कर देना इस video को, और आप share भी कर सकते हो, और मुझे review की अगर कोई request हो तो please comment कर देना. And yes, by the way, अगर आपको ये look देखनी है तो भी comment कर देना, और हम लोग जल्दी मिलेंगे. So till we meet next time, bye.